बॉलीवुड के बेहद ही चहीते और बहुत ही संजीदा अभिनेता इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि इरफान खान को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर था और जिसके चलते उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको ये भी बता दें कि इरफान खान को 2018 में ही पता चल गया था कि उन्हें इस तरह की बीमारी है। इसके बाद उन्होंने एक ओपन लेटर लिखकर अपने प्रशंसकों को इस बात की जानकारी दी थी कि वो बीमारी के चलते देश के बाहर जा रहे हैं इसका इलाज करवाने और आप सभी की दुआओं से जल्द ठीक होकर वतन वापसी करेंगे। अभी चंद दिनों पहले ही इरफान की मां का निधन हो गया था। जयपुर में वो रहती थी और लॉकडाउन की सिचुएशन के चलते इरफान जा तो नहीं सके, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अपनी मां को अंतिम विदाई भी दी। इरफान की हालत मंगलवार को कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। डॉक्टरों की शुरुआती रिपोर्ट और इरफान की मैनेजर की माने तो उन्हें कोलोन इन्फेक्शन हो गया था। इरफान अपने काम को लेके इतने डेडिकेटेड थे कि वो कैंसर से लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, लेकिन अपनी आखिरी फिल्म इंग्लिश मीडियम के लिए उन्होंने जिस तरह की एक्टिंग की, जिस तरह से अपना समर्पण दिखाया, वो काबिले तारीफ है। आज बॉलीवुड ही नहीं, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग भी इरफान के इस आकस्मिक मौत पर काफ़ी सदमे में हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ हो या पवन सिंह हो या फिर अक्षरा सिंह, अक्षरा सिंह ने तो बहुत ही प्यारा नोट लिखा है इरफान के लिए और ये कहा है कि वो उनके फेवरेट एक्टर हैं। साथ ही साथ पवन सिंह ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये लिखा है कि इरफान बेहद ही मंझे हुए कलाकार थे, उनकी एक्टिंग देखकर वो हमेशा इंस्पायर होते हैं। साथ ही साथ स्मृति सिन्हा, निधि झा जैसे कई बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी ने ऐसे वक्त में शोक जताया है कि उनके फेवरेट स्टार अब इस दुनिया में नहीं रहे। स्पेशल भोजपुरी की तरफ से भी इरफान खान को भावभीनी श्रद्धांजलि।